Stressed out, don't know where my head's at. Feeling like I'm always trying to get up on the right track. Hello everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. और आज मैं फाइनली ये व्लॉग जो है वॉइस ओवर करके और आज अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आज मैं आई थिंक फॉर अबाउट अ मंथ ये व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया है. मैंने ये एडिट कर दिया था बट आई वाज नॉट गेटिंग अ चांस टू वॉइस ओवर ताकि मैं इसे अपलोड कर सकूँ, बिकॉज पाकिस्तान में वहाँ इतनी बिजी रूटीन थी, कोई ना कोई काम होता था, बच्चों की शोर, मतलब मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं सक रही थी. मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ मैं खामोशी से बैठ के वॉइस ओवर करूँ और इसे अपलोड करूँ. तो आज मेरा सेकेंड डे है इन अमेरिका, वापस आ गई हूँ पाकिस्तान से. तो ये जो दो व्लॉग्स मैंने एडिट किए हुए थे, जिसमें से पहला ये व्लॉग है जिसे मैं वॉइस ओवर करके अपलोड कर रही हूँ. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है इस्तांबुल टर्की का एयरपोर्ट. हम लोग अटलांटा से हमारा जो फर्स्ट ट्रिप जो है बिगिन हुआ था फ्रॉम इस्तांबुल एंड वी वर वेरी एक्साइटेड ताकि यू नो हमारा ये पहला स्टॉप है इस्तांबुल का, देन पाकिस्तान ऑफ कोर्स. तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, माय कज़न्स हाउस, यहाँ पे अपार्टमेंट. इट्स अ गोल पनोरमा अपार्टमेंट इन टर्की. बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स हैं और यहाँ का ये जो प्ले एरिया बच्चों के लिए है ये कितना खूबसूरत है और इतना बड़ा है. स्विमिंग पूल भी, हर चीज़ है यहाँ पर. पास में ही मस्जिद है, अगर आपको वो कॉर्नर में मस्जिद का वो दिख रहा है पिलर, ये मस्जिद भी कम्युनिटी की है. तो यहाँ पे जो है एक फ़ायदा बहुत था कि बच्चे जो हैं सब सुबह हम सो रहे होते थे और इस प्ले एरिया में आ जाते थे और हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, बिकॉज़ इसका एक्सेस घर के बैक से होता था और इसको मतलब पूरा सिक्योर है, बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे. सो इट वॉज़ अ सिक्योर प्ले ग्राउंड और बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है. वैसे इसी प्ले एरिया के अंदर ही एक जिम भी बनी हुई है और उस जिम के अंदर एक इंडोर स्विमिंग पूल भी है. आउटडोर स्विमिंग पूल मैंने आपको बाहर से दिखाया जो बहुत बड़ा सा था, अंदर इंडोर भी है. वो मैंने वीडियो शॉट नहीं की क्योंकि अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी लेडीज़ थी और प्राइवेसी की वजह से आई डोंट वांट टू जस्ट यू नो शूट एंड यू नो शो इट, सो जस्ट फॉर द प्राइवेसी रीज़न. तो वहाँ से निकलने के बाद ये कम्युनिटी की ही सुपर मार्केट है, उसी के अंदर ही. तो वहीं पे हम लोग अंदर चले गए थे कुछ टी और मिल्क लेने के लिए. टी मानी कहवा. हम लोग वहाँ पे जिस भी शॉप में जाते थे वहाँ कहवा बहुत अच्छा मिलता था, तो आप ही ने बताया था कि यहाँ पे कहवा नीचे ही सुपर मार्केट में भी है, तो हम वहाँ पे कहवा लेने के लिए चले गए थे. और मैंने सोचा आप लोगों को साथ में दिखाती भी हूँ कि यहाँ की सुपर मार्केट कैसी है. वैसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये चीज़ की लाइन है और ये ख़त्म ही नहीं हो रही थी. इसके अलावा चीज़ के दो फ्रिज भी रखे हुए थे. यहाँ पे टर्की में चीज़ बहुत खाई जाती है और इतनी तरह तरह की चीज़ आपको मिलेगी कि जिसके आपने ना नाम सुने होंगे. और इट्स अ लॉट ऑफ चीज़. आई मीन ये देखें, यहाँ पे भी चीज़ पूरी भरी हुई है. टर्की इज़ आई थिंक चीज़, कहवा और ऑलिव्स, ड्राई फ्रूट्स, यही सब मुझे जगह जगह नज़र आ रहा था और कुछ हर्ब्स भी. एनीवेज ये है सुपरमार्केट इन दी यू नो द प्लेस वी वर लिविंग इन द अपार्टमेंट, यू नो हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे. आप ही के साथ में नीचे ही आई थी, उनके ऊपर अपार्टमेंट्स थे और नीचे ये मार्केट बनी हुई थी और मार्केट बहुत ही नाइस एंड क्लीन, बहुत ऑर्गेनाइज करके रखी हुई थी. आई मीन इट वॉज़ रियली नाइस, स्मेल भी अच्छी कर रही थी. सो मैं तो इन अपार्टमेंट्स की फ़ैन हो गई हूँ सीरियसली. बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट, बहुत प्यारी जगह, प्ले एरिया, तो मुझे ऐसा प्ले एरिया मैंने कहीं देखा ही नहीं है इवन इन अमेरिका. इतना खूबसूरत प्ले एरिया आई थिंक मैंने अपार्टमेंट्स में नहीं देखा होगा. बहुत अच्छी जगह पे आप ही रह रही हैं. आई एम रियली मिसिंग दिस प्लेस. अब ये वीडियोज़ देख रही हूँ तो मुझे जगह याद आ रही है. तो आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम इन टर्की ऑनेस्टली. नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट, बिकॉज दो आईपैड जो है हमारे लॉस्ट हो गए थे एयरपोर्ट पे. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे. ये है बस स्टॉप. हवाइस करके बस जो है डायरेक्टली एयरपोर्ट पे आपको ड्रॉप करती है. तो आप ही के साथ मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम तीनों जा रहे थे एयरपोर्ट फॉर कंप्लेन कि हमारे आईपैड जो है हमें वापस दिए जाएँ. ट्रस्ट मी, हम लोग इतनी सुबह गए थे और शाम के 6 बजे वापस आए थे पर हमें आईपैड नहीं मिले. बहुत बुरे मूड में थे बट ऑफ कोर्स बच्चे तो वेट कर रहे थे हम लोगों का कि हम उन्हें कहीं बाहर लेके जाएंगे.
तो हम उन बच्चों को सबको लेके गए थे KFC एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली वी गोना ईट KFC क्योंकि अमेरिका में हलाल KFC नहीं है और पाकिस्तान हो या फिर टर्की, यहाँ पे जाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको सब कुछ हलाल खाने को मिलेगा विदाउट इवन आस्किंग, आप कोई भी मीट खा सकते हैं। एंड दैट वॉज दी नेक्स्ट डे, आप ही ने हमारे लिए हलवा पूरी का ब्रेकफास्ट बनाया था, वो मैंने थोड़ा सा क्लिप शॉट किया था, बहुत मज़े का हलवा पूरी बना था घर पे। उन्होंने सुबह सुबह उठ गई थी, हम लोग तो सब सो रहे थे, जब मैं उठी हूँ तो ऑलरेडी टेबल पे सब कुछ लगा हुआ था एंड आई वॉज लाइक आप एटलीस्ट उठा लेती, आपकी थोड़ी हेल्प कर लेती, आपने सब अकेले में बनाया है, बट सब कुछ बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया था। और अब ये दोपहर में हम लोगों ने हलवा पूरी खाना वाना खा के हम यहाँ पे आ गए थे मॉल में, मुझे इस मॉल का नाम नहीं याद आ रहा है बट इट वाज आई थिंक अकबती मॉल, आई रिमेम्बर अकबती करके कुछ नाम है, अकबती मॉल, यस, करीब में था, ज़्यादा दूर नहीं था। बस ऐसे ही हम लोग सिर्फ यू नो विंडो शॉपिंग के लिए आए थे, जगह देख रहे थे, ऑफ कोर्स अब आए हैं तो मैंने कहा कोई एक आध मॉल चलते हैं, फर्स्ट मॉल एक्सप्लोर करेंगे फिर बाद में यू नो, अभी क्योंकि हमारे पास 7 days थे तो सोचा कि आज मॉल जो है एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो बच्चे साथ हों और वो कैंडी शॉप पर ना रुकें ऐसा हो ही नहीं सकता है, सो वी आर जस्ट गिविंग देम कैंडीज एंड you know just exploring the mall. Kind of stressed out, don't know where my head's at, feeling like I'm always trying to get up on the right track, on the right track, feeling so lost, can you help me find the right path, baby if you follow I'll catch you, diving in deep I need a rescue, cause ain't nobody coming to our rescue, we just gotta do. सो इस शॉप से आप ही को बच्चों के लिए कुछ लेना था, अपने बच्चों के लिए उनको आई थिंक कोई शर्ट्स वगैरह यूनिफॉर्म की लेनी थी, तो फिर जब तक वो एक्सप्लोर कर रही थी देख रही थी मैंने भी कोई 2-3 चीज़ें ले ली जो मुझे अच्छी लगी, और मायरा साथ में थी छोटी बच्ची तो उसे यहाँ पे बॉटल और एक ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, सोचा वो बाय कर लेते हैं। तो बस मॉल से निकल के अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, सोचा कहीं बाहर चलते हैं, शाम को बच्चों को फिर से कहीं बाहर लेके जाते हैं खाने के लिए। तो रास्ते में मैं ये शॉप्स देख रही थी, बिल्कुल मुझे पाकिस्तान की याद आ रही थी, आई वाज लाइक काफ़ी ड्राइविंग तो यहाँ पाकिस्तान वाली है ही, पर ये देखें रोड पर जिस तरह से ये लोग यू नो सब सामान लगा के बेच रहे हैं और स्टॉल्स लगे हुए हैं और जिस तरह से ये नाम शॉप्स के ऊपर नीचे लाइक यू नो शॉप्स हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तान का लुक दे रहा था मुझे, तो मुझे कहा मैंने ये जगह पे मुझे सदर और तारिक रोड याद आ गया, दैट्स व्हाई मैंने ये थोड़ा सा वीडियो शॉट किया था कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रीट थी मुझे पाकिस्तान की याद दिला रही थी इन टर्की। नेक्स्ट डे का क्लिप है, आई रिमेम्बर हम लोग जब मॉल से वापस आए थे तो घर में आप ही ने ब्रोस्ट और बिरयानी बनाई थी, तो वो बहुत मज़े की थी, बच्चों की शोर इतनी ज़्यादा थी और उनको खिलाने में और यू नो सब समेटने में याद ही नहीं रहा कि क्लिप नहीं बनाया मैंने, बट दिस वाज द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं आप ही और मेरी मदर इन लॉ हम सब यहाँ गए थे फॉर ब्रेकफास्ट, दिस इज़ हैप्पी मून्स इन इस्तांबुल टर्की, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, व्यू बहुत अच्छा है, नाइस एंड क्लीन, आपको यहाँ का ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ, ये बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट है टर्की का, तो बहुत सुना था टर्की के ब्रेकफास्ट के बारे में तो सोचा कि जल्दी से उठ के जाते हैं ये ब्रेकफास्ट थोड़ा एंजॉय करते हैं, बट किसी चीज़ में कोई टेस्ट नहीं था, बहुत ही ब्लेंड था मेरे लिए, आई डोंट नो जो लोग विदाउट स्पाइसेस या विदाउट यू नो टेस्ट के खाना खाते हों उनको शायद अच्छा लगे, बट ये सब बहुत ब्लेंड था, चीज़ इतनी तरह की रखी हुई थी, अगेन मुझे चीज़ इतनी पसंद नहीं है तो मैंने चीज़ खाई नहीं, सिर्फ एग ही मुझे बीच में नज़र आ रहा था जिसको मैंने कहा मैं खा सकती हूँ, बाकी मेरी समझ से बाहर था, आई मीन इट वॉज फाइन, अच्छा था बट इतना अच्छा नहीं था, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। ब्रेकफास्ट के बाद हम इस मार्केट में आए थे, इट वॉज नेक्स्ट टू दी अकबती मॉल जहाँ पे हम लोग पहले गए थे, उस मॉल के करीब में ये एक और बड़ी सी सुपर मार्केट है, यहाँ पे आए थे हम लोग, यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं आपको, लाइक लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही, आई टोल्ड यू इस्तांबुल टर्की इज़ ऑल अबाउट ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव्स एंड चीज़,
जगह जगह नजर आएंगे आपको, आप कहीं पे भी चले जाएं। सो एनीवेज, यहाँ से हम लोगों ने ली थी सैल्मन फ़िश। आपी को बहुत शौक हो रहा था हमें सैल्मन फ़िश खिलाने का, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से फ्रेश मिलती है, तो वो सैल्मन फ़िश ले रही थी और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही थी इस सुपरमार्केट को। और ये क्लिप मुझे अच्छी तरह से याद है बिकॉज ये एक्साइटमेंट मेरी थी कि मुझे अब इस्तांबुल घूमना है और इस्तांबुल की वो जगहें जहाँ पे लोग इतने दूर दूर से आते हैं, यू नो, टू विज़िट ग्रैंड बाज़ार, टू विज़िट सफ़िया मॉस्क एंड दी ब्लू मॉस्क। आई वॉज़ लाइक आई रियली वॉन्ट टू गो एंड वॉच एंड एक्सप्लोर। सो यहाँ पे मैं आज के दिन जा रही हूँ, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। द फर्स्ट डे आई वेंट टू द इजिप्शियन बाज़ार, तो पहला मेरा स्टॉप जो था वो द इजिप्शियन बाज़ार था। इस दिन एक दिन में मैंने लाइक एक चीज़ ही आप देख सकते हैं, इतना ही बड़ी जगह है, इतना यू नो टाइम लगता है एक्सप्लोर करने में, वॉक करके आप थक जाते हैं, दूसरी जगह जाने में आपकी हिम्मत नहीं होती है। सो वेल, मैं पहले दिन जो गई थी द इजिप्शियन बाज़ार, और सेम ये आप ही के घर से जो है 1 घंटे की ड्राइव पे है, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि इसके आसपास ही ब्लू मॉस्क, सोफिया मॉस्क और पास में ही दी ग्रैंड बाज़ार भी है। ट्रस्ट मी, मैंने इजिप्शियन बाज़ार बस नेविगेशन पे डाला था, ऊबर पे, ऊबर कॉल की थी, और देन मी एंड माय मदर इन लॉ और आप ही को मैंने लिया कि हमें जगहों का पता नहीं है तो आप साथ चलें। रास्ते में थे एंड शी टोल मी कि यू नो तुम आज यहाँ आ गई हो, बिकॉज हमने आधा दिन तो गुजर गया था। शी सेड यहाँ आ गई हो, यहाँ कल तुम सुबह सुबह आती तो तुम बाकी की जगह भी एक्सप्लोर कर लेती। एंड आई वाज लाइक आप यू आर टेलिंग मी टू लेट, अब हम यहाँ आ गए हैं, आज हम एक ही जगह देख सकेंगे, अब कल फिर से यहाँ आएंगे। बट यू नो इट वाज लाइक 1 आवर ड्राइव, इट वाज रियली बहुत ही दूर जगह थी है, बट वर्थ इट, वर्थ गोइंग, वर्थ वॉचिंग। सो आपको भी साथ साथ दिखा रही हूँ वहाँ का, ये मेन आप डाउनटाउन कह लें टर्की का, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत यू नो मस्जिद रास्ते में बार बार आती हैं, बहुत अच्छा व्यू है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, सो दिस हज़ेर बाबा टर्किश डिलाइट, बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे, बट मुझे टर्किश डिलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने एक दो खा के देखी है, मुझे वो फ्लेवर ही समझ नहीं आए। आई मीन जिन लोगों को टर्किश डिलाइट पसंद है, हज़ेर बाबा इज़ द प्लेस, यू कैन गो ओवर देयर। एंड नाउ दिस इज़ दी इजिप्शियन बाज़ार, हम लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत कम मैंने वीडियो बनाई है यहाँ पे, ऑफकोर्स इतना हिल पे ऊपर यू नो वॉक है ऊपर नीचे, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कैमरा होल्ड करना, चलना, फिर हाथ में कुछ चीज़ें भी थी जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह पर रुक के मैं चीज़ें बाय कर रही थी, क्योंकि मैं एकदम से यू नो चीज़ें देख के पागल सी हो गई थी, जहाँ अच्छा लग रहा था बस ख़रीद रही थी। बहुत मज़ा आया था मुझे और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। कितना तो मैंने शूट भी नहीं किया है बिकॉज मुझे याद ही नहीं रहता था, मैं इतनी लाइक चलते चलते थक जाती थी, अंदर आई एम लाइक ओ माई गॉड मैंने उस चीज़ का यू नो शॉट नहीं लिया, या फिर किसी शॉप पे मैं गई हूँ मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया, तो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट इन्जॉय एंड यू नो जितना मैं शूट कर सक रही हूँ उतना ही अच्छा है। तो ये अब वहाँ से इजिप्शियन बाज़ार से निकल के रोड क्रॉस करके ये एक और जगह है, इट्स प्रिंसेस आइलैंड, यहाँ से सारी फेरीज़ और जो क्रूज़ हैं वो जाते हैं, तो हमने एक क्रूज़ लिया था फॉर 3 आवर्स एंड दे सेड के टी एंड कॉफ़ी विल बी सर्व ऑन क्रूज़ इफ़ यू बाय फॉर द 3 आवर टिकट। बट जब टी एंड कॉफ़ी के लिए मैं नीचे डेक पे गई जब क्रूज़ स्टार्ट हो गया था, दे सेड यू हैव टू बाय, इट्स इंक्लूडेड बट यू हैव टू बाय, तो मुझे ये टर्किश की समझ में नहीं आया कि इंक्लूड भी है और बाय भी करना है, दिस इज़ लिटिल कन्फ्यूज। आई मीन या तो इंक्लूड नहीं होता है या तो बाय करना होता है, बट एनीवेज हम क्रूज़ पे बस बैठे हुए थे, इन्जॉय कर रहे थे व्यू, क्योंकि पूरा दिन चल चल के थक गए थे, पूरा दिन नहीं, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए थे हम लोग बाज़ार में बस चलते ही जा रहे थे। नाउ वी नीड अ प्लेस, तो हम लोग ये यहाँ पे आ गए थे ताकि क्रूज़ पे बैठ के हम लोग थोड़ा रेस्ट भी कर सकें, व्यू भी इन्जॉय कर सकें, और ऑफकोर्स क्रूज़ पे जाना किसको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे हमने जो शाम की चाय पी थी, ट्रस्ट मी इट वाज वर्थ यू नो गोइंग ऑन दिस क्रूज़, चाय और कुकीज़ वगैरह जो लिए थे उसका मज़ा आ गया था, थकावट जो थी वो बेसिकली उतर गई थी, बहुत मज़ा आया था फॉर 3 आवर्स क्रूज़। अगर आप टर्की जा रहे हैं और आप ग्रैंड बाज़ार और यू नो दिस इजिप्शियन बाज़ार के आसपास हैं, आई विल सजेस्ट यू डू गो ऑन अ क्रूज़, इट्स वर्थ गोइंग।
want to do. Cause when I'm with you, it still feels brand new. Look at this view of Hagia Sophia Mosque. It is so breathtaking. It's so nice. ये मैं दूर से ये मॉस्क देख रही हूँ. मुझे नहीं मालूम था कि मैं कल यहीं पे आऊँगी और मैं अंदर से एक्सप्लोर करूँगी. सच में ये व्यू बहुत ही खूबसूरत है. Don't know where my head's at. Feeling like I'm always trying to get up on the right track. On the right track. Feeling so lost. Can you help me find the right path? Baby, if you follow, I'll catch you. Diving in deep, I need a rush. So that's next day. हम लोग सैलून गए थे. My sister-in-law done the treatment, the keratin treatment, and I have done root touch-up and manicure, pedicure. Yes, मैं अमेरिका से आते हुए nails करा के आई थी, but थोड़े से ख़राब हो रहे थे तो मैंने वापस से करवाए यहाँ पे अपना manicure, pedicure. और वहाँ से हम एक restaurant गए थे. वहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं था तो हमने बस थोड़ा थोड़ा like taste किया. और वहाँ से वापस घर आए तो आप ही ने इतना अच्छा खाना बनाया था. दाल, चावल, कबाब, विंग्स फ्राई किए हुए थे तो रात के खाने का मज़ा आ गया था. सो थैंक यू सो मच आपी, यू रियली नेल्ड इट व्हेन इट कम्स टू कुक फूड. सो ये है उसके अगला दिन. नेक्स्ट डे ऑफकोर्स वापस से मैं आ गई थी उसी रोड पे, उसी रास्ते पे जहाँ मैं पहले आई थी. और ये ऑफकोर्स आज मुझे विज़िट करनी थी दोनों मॉस्क, दी हया सोफिया एंड दी ब्लू मॉस्क. तो उसके लिए ये अंदर अंदर से पता नहीं कहाँ से ड्राइवर जो है लेके जा रहा था. बहुत ही कलरफुल यू नो बिल्डिंग्स थी यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग इंटर हो गए थे. यहाँ पे मुझे यू नो बाहर वॉचमैन ने रोका था, जो भी गार्ड या वॉचमैन जो भी था. ही स्टॉप्ड मी एंड सेड कि आप अपने सर को कवर करें और फिर अंदर जाएं. तो मैंने फ़ोन को ज़रा साइड पे अपनी मदर इन लॉ को दिया फ़ोन और अपने आप को कवर किया, हेड कवर किया. ऑफ कोर्स शॉल मैंने साइड पे ली हुई थी तो मैंने हेड पे की. एंड देन आई वेंट इनटू दिस मॉस्क. दिस इज़ हया सोफिया मॉस्क. नो आई थिंक दिस वन द फर्स्ट वन वी वेंट टू दी ब्लू मॉस्क. यस. सो इस मॉस्क में जब हम लोग गए दी ब्लू मॉस्क में, यहाँ पे अभी ये मॉस्क जो अंदर से बंद था, दे सेड कि अभी प्रेयर्स टाइम के बाद में जो है मस्जिद पूरी ओपन होगी. अभी सब ये बाहर ही थे जितने भी लोग थे, तो आप सिर्फ इतनी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो हम लोग बाहर से ये माशाल्लाह देख रहे थे. लुक एट द व्यू मैन, कितनी खूबसूरत लग रही है. स्काई भी ब्लू है, मॉस्क भी ब्लू. इट्स जस्ट अ परफेक्ट क्लिक. ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह यहाँ से. तो वेल, हम अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि बंद थी मस्जिद, तो सोचा थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करते हैं. उसी मस्जिद के बाहर में ही वहाँ पे यू नो लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे और बहुत सारी जो जगह थी वहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे. तो हम एक शॉप थी उसके अंदर चले गए थे. वी टुक सम पिक्चर्स टर्की की जो ड्रेसेस वगैरह पहन के, यू नो एज ड्रेस अप एज अ क्वीन और प्रिंसेस, यू नो वैसे ड्रेसेस पहन के हम लोगों ने पिक्चर्स ली थी और एक्सप्लोर कर रहे थे. सुवेनियर्स लिए थे यहाँ से बहुत खूबसूरत. तो वहाँ यहाँ से मैंने एक कहवे का सेट भी लिया था. आई विल शो यू एट द एंड मे बी इन दिस वीडियो कि मैंने जो यहाँ से बाय की थी चीज़ें. वैसे मैं यहाँ से जो भी बाय कर रही थी टर्की से, मैं उसको बहुत अच्छे से रैप करवा रही थी ताकि मैं उसे अमेरिका लेके जा सकूं. तो पाकिस्तान में भी मैंने ओपन नहीं की थी. आई जस्ट रैप्ड एवरीथिंग रियली गुड ताकि वो टूटे नहीं. और यहाँ पे ये जो मेरे साथ उमर को मैं लेके आई थी फॉर यू नो जस्ट हैविंग फन इन दी यू नो दी मॉस्क, द ब्लू मॉस्क, एंड ही वाज रियली एंजॉयिंग. वॉच दिस वीडियो. Come on, Omar, go on, take it. Come on, take the big scoop. Come on. Oh, oh, oopsie. This is the ice cream. Oh, Omar. Okay, take it. Take it. Oh. Thank you. देन आई केम टू दिस शॉप. यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो है सेट मिल रहे थे, यू नो कैवा सेट और यू नो लाइक सर्विंग डिशेस के सेट, बहुत प्यारे. मैंने एक सेट लिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. सो नाउ वी केम बैक टू द मॉस्क. फाइनली मॉस्क अंदर से ओपन हो गई थी तो सोचा चल के अंदर से भी देखते हैं. एंड ट्रस्ट मी,
मुझे नहीं मालूम कैमरा पे कितनी अच्छे से ये मैं दिखा सक रही हूँ या समझ आ रही है आपको, बट मुझे ये इतनी खूबसूरत लगी, इतनी पीसफुल मॉस्क ये लगी। हालांकि इतनी शोर है, इतने लोग हैं, बट बहुत ही सुकून था अंदर। सच में मैं एक एक चीज़, एक एक डिटेल को देख रही थी, जिस तरह से लिखा हुआ था, जो राइटिंग, जो जिस तरह से बनी हुई थी, जो खूबसूरती, उफ, आई कांट इवन टेल यू इन द वर्ड्स, दिस मॉस्क इज़ सो ब्यूटिफुल। सच में इट इज़ वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस, इट इज़ वर्थ वॉचिंग दिस मॉस्क फ्रॉम इनसाइड, एंड इट्स सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सच में जब तक आप यहाँ जाके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या कह रही हूँ। This is a really great mosque. Coming to our rescue, we just gotta do what we gotta do. वहीं पे ही पास में बताया था कि आगे चल के थोड़ा सा हया सोफिया मॉस्क है, तो हम हया सोफिया मॉस्क के लिए निकल गए थे। ऑफ कोर्स सुवेनियर्स और हर चीज़ ले ली थी और वहाँ की शॉप्स भी विज़िट कर ली थी, तो यहाँ से ब्लू मॉस्क से जाते हुए आपको दिखा रही थी कि वहाँ पे अब हया सोफिया की तरफ, वहाँ पे कुछ ट्रेन्स भी थी, ये आप देख सकते हैं। पहले देखिए हया सोफिया बाहर से कितनी खूबसूरत है, कितनी हिस्टोरिकल यू नो एक व्यू मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारी मॉस्क। तो खैर मैं वहाँ जब गई अंदर तो ऑफ़ कोर्स मॉस्क बंद थी, नेक्स्ट पीरियड के बाद ओपन होनी थी, इट मींस बहुत वेट करना था। तो मैंने सोचा चलें जब तक ग्रैंड बाज़ार चले जाते हैं। ग्रैंड बाज़ार भी वहीं से ही थोड़ा वॉक करके था, ट्रेन जो है जाती हैं बट हम ट्रेन में नहीं गए थे, हम वॉक करके जा रहे थे ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें। और वॉक करते करते ये एक रेस्टोरेंट था माडो करके, माडो इज़ द फेमस रेस्टोरेंट इन टर्की फॉर देयर कुनाफा। तो जब हम वॉक करते हुए गुजर ही रहे थे तो सोचा कुनाफा खाना तो बनता है, तो यहाँ पे हम आ गए थे माडो में कुनाफा खाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी द कुनाफा वाज अमेजिंग। मैं कुनाफा की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मैं खाती भी नहीं हूँ, बट यहाँ पे जब मैंने ये ऑर्डर किया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने टेस्ट किया एंड इट वाज अमेजिंग सीरियसली। ये एक रेस्टोरेंट है ग्रैंड बाज़ार से जस्ट थोड़ा पहले, सी बिस्ट्रो कैफ़े रेस्टोरेंट, जो कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। मैंने कुछ 3-4 चीज़ें ही ऑर्डर की थी एंड माय बिल वाज 2700 टर्किश लीरा। इमेजिन 2700 टर्किश लीरा, इसको अगर मैं कन्वर्ट करके आपको बताऊँ तो इट्स अराउंड $70 तो अराउंड, नॉट एग्जैक्ट, ओके। सो वेल, यहाँ का खाना इतना कोई ख़ास नहीं था, बस ठीक ही था। ये सॉस थोड़ी मज़े की थी, तो मैं नान के साथ ये सॉस मैंने खाई थी, मुझे अच्छी लगी थी। और ये देखें जो प्लेटर, ये प्लेटर सिर्फ 1300 टर्किश लीरा का है और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट थोड़े थोड़े पीसेस रखे हुए हैं और धनिया पुदीना रख के इसको इतना एक्सपेंसिव कर दिया है। और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ब्लेंड टेस्ट है, स्पाइस नहीं है। अगर आप स्पाइसी बोलते हैं तो वो एक रेड कलर की स्पाइस सॉस रख देते हैं जो कि स्पाइसी होती ही नहीं है, मेरे लिए स्पाइसी नहीं है। सो वेल, इट वॉज़ जस्ट फाइन, इतना कोई ख़ास अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था, बट हमें भूख लग रही थी, वॉक कर करके थक गए थे, तो खाना तो बनता था। सो बस वहाँ से हम लोगों ने खाना खाया है, वापस से वॉक कर रहे थे, ग्रैंड बाज़ार एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड यस दैट इज़ ऑल अबाउट। ये एक शॉप जहाँ से हम लोगों ने, खैर यहाँ से तो नहीं, एक दूसरी शॉप से हमने पिक्चर्स जो ली थी,
तो उसी तरह की एक और शॉप थी, यहाँ पे भी ये लोग क्वीन और प्रिंसेस वाले ड्रेसेस पहना के पिक्चर लेते हैं, बट हम लोग वहाँ पहले ले ली थी तो हमने इस वाले शॉप से पिक्चर नहीं ली थी। आई वाज जस्ट मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस एंड दिस इज़ द नाइट टाइम। हम जब घर वापस आए रात को तो वहाँ पे जो फैमिलीज थी, जो मेरे आपी के जो नेबर्स थे, सब ने हमारे लिए दावत रखी थी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट डिशेज लेकर आए थे। वन डिश पार्टी उन्होंने रखी थी, तो हम लोगों ने रात को जो है पार्टी इंजॉय किया। खाना ऑलरेडी खाया हुआ था, इतने फुल हो गए थे, बस सबके साथ मिलना बैठना यही इंजॉयमेंट थी। और फिर सब साथ में मस्जिद गए थे। कम्युनिटी मॉस्क है ये वो जहाँ आप ही रहती हैं, ये भी बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छी मॉस्क है। बस यहाँ पे गए एंड आई थिंक मेरा टर्की का व्लॉग बस इतना ही है। हम लोग हया सोफिया, ब्लू मॉस्क, ग्रैंड मस्जिद एंड द इजिप्शियन बाज़ार, द ग्रैंड बाज़ार एंड द इजिप्शियन बाज़ार, ये सब देखा, मॉल एक्सप्लोर किया है, वहाँ के यू नो फेमस ब्रेकफास्ट खाना हो गया या वहाँ का फेमस सूप हो गया, ये सब इंजॉय किया है। और फैमिली के साथ जो हम इतने टाइम के बाद मिले थे, यू नो वो टाइम स्पेंड किया है। सो इट वाज़ वर्थ कमिंग टू इस्तांबुल, वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम, बहुत इन्जॉय किया एंड नाउ वी आर हेडिंग टू कराची पाकिस्तान। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कराची पाकिस्तान। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड टू गो देयर एंड आपको भी दिखाती हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। When I'm with you, it still feels brand new.